आज हम स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स में एक नया चैप्टर द्विविमीय गति, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सरल रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति, यानी कि वन डी मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब कोई कण या पिंड एक रेखा के अनुदेश गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति या सरल रेखीय गति करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब कोई पिंड या वस्तु किसी तल में गति करे या दो डायरेक्शन में गति करे। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले से पढ़ रखा है वन डी मोशन, 2D मोशन द्विविमीय गति, 3D मोशन त्रिविमीय गति। गति के बारे में ये तीन प्रकार हमने पढ़ रखे हैं, इनके बारे में जानते हैं कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, एक रेखा के अनुदेश या किसी एक अक्ष के अनुदेश गति करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, 1D मोशन या एक विमीय गति कहते हैं। 2D मोशन क्या है, जब कोई वस्तु एक तल में गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, 2D मोशन या द्विविमीय गति कहते हैं। 3D मोशन क्या है, जब कोई वस्तु या कोई पिंड त्रिविमीय आकाश में गति करता है, जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, 3D मोशन या त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति यानी कि किसी तल में गति के बारे में। द्विविमीय गति क्या है पहले समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर किसी गति के दौरान किसी कण का विस्थापन x अक्ष के अनुदिश भी हो, y अक्ष के अनुदिश भी हो, इन दोनों विमाओं के दिशा में, इन दोनों डायमेंशन के अलोंग अगर किसी कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति। जैसे मान लेते हैं किसी समय अंतराल के बाद कोई पिंड यहाँ, कोई कण यहाँ पे विरामावस्था में था, मूल बिंदु पे था, कुछ समय के बाद पिंड इस बिंदु पे पहुंच जाता है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि पिंड ने x अक्ष के अनुदिश भी कुछ दूरी तय की और y अक्ष के अनुदिश भी कुछ दूरी तय की, है ना। यानी कि जो कण का विस्थापन हुआ है, कण का जो विस्थापन है वो x अक्ष की दिशा में भी है, y अक्ष की दिशा में है, तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, ये सभी क्या है, द्विविमीय गति के उदाहरण है। जैसे प्रक्षेप गति या वृत्तीय गति, ये सब क्या है, द्विविमीय गति के उदाहरण है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति के बारे में। प्रक्षेप गति क्या है समझते हैं। सरल रेखीय गति में हमने पढ़ा कि जब किसी भी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वो सरल रेखा में ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसी पथ पे वापस आ जाता है, ऐसा हमने सरल रेखीय गति में पढ़ा। अगर इसके प्रक्षेपण की दिशा ऊर्ध्वाधर रखकर किसी कोण पर रखी जाए, इस तरीके से या इस तरीके से, तो पिंड कुछ इस तरीके से गति करता है। जैसे पिंड को हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके, ऊर्ध्वाधर में ना फेंके, तो पिंड इस तरीके से गति करता है, तो ये गति पिंड की जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब हम किसी भी बॉल को या किसी भी पिंड को इस तरीके से फेंकते हैं तो पिंड ऊर्ध्वाधर गति भी करता है और क्षैतिज गति भी करता है। यहाँ पे पिंड दो डायमेंशन में, दो दिशाओं में गति कर रहा है, तो ऐसी गति क्या है, ये द्विविमीय गति है। और ये कौन सी गति का उदाहरण है, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ठीक है, जैसे क्रिकेट की बॉल को फेंकना, ठीक है, या बैडमिंटन में जो शटल कॉक होती है उसकी गति, ये गति कैसी होती है, प्रक्षेप गति होती है। यहाँ पे जब किसी भी चीज़ को हम फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा क्षैतिज से अगर किसी कोण पे फेंकते हैं तो उसकी गति कैसी होती है, प्रक्षेप गति होती है, और ये क्या है, द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल से हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, जैसे किसी भी पिंड को हमने ओरिजिन से फेंका क्षैतिज से किसी कोण पे, तो पिंड क्या हुआ, पिंड ऊर्ध्वाधर की गति भी कर रहा है और क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा है, इस तरीके से जाके पिंड गति करता है, तो ये कैसी गति है, प्रक्षेप गति है। तो कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति क्या है, जब किसी भी पिंड को या वस्तु को हम क्षैतिज से किसी कोण पे, ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, क्योंकि अगर हम पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो पिंड की गति कैसी होती है, सरल रेखीय होती है। तो हम बात कर रहे हैं
दिव्य में गति की। तो जब पिंड को हम क्षैतिज से किसी कोण पे फेंकते हैं तो पिंड का पथ कैसा होता है, एक वक्राकार पथ होता है, पिंड एक वक्र पथ पे गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। लिख सकते हैं किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त क्षैतिज से किसी कोण पर अगर फेंका जाए तो पिंड एक वक्र पथ पर गति करता है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जो पिंड फेंका जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं, और इस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्लियर? तो प्रक्षेप गति सभी को क्लियर हो गई कि जब किसी भी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त फेंका जाए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो पिंड की गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। तो यहां पे हम बात क्या करेंगे कि किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी कोण पे फेंका जाए तो उसकी गति कैसी होगी, एक वक्र पथ पे होती है। इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। जिस पथ पे पिंड गति करता है उस पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं, और जो पिंड गति करता है उस पिंड को हम, फेंके गए पिंड को हम प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप पथ क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्रक्षेप पथ का समीकरण कैसे निकलता है, इस प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने माना किसी पिंड को u वेग से थीटा कोण पे फेंका जाता है। तो मान लेते हैं, माना किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, अब इस क्षैतिज से जो थीटा कोण पे हमने यू वेग से पिंड फेंका है तो इस वेग के कारण पिंड दो द्विमाओं में गति कर रहा है, एक क्षैतिज गति भी कर रहा है और एक ऊर्ध्वाधर गति भी कर रहा है। तो इस वेग को हम दो घटकों में वियोजित करके इसके दो घटकों का परिणाम ही हम इस यू को मान सकते हैं, यानी कि यू को दो दिशाओं में हम वियोजित कर सकते हैं, एक क्षैतिज गति के लिए, एक ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए कारण क्या होगा, ऊर्ध्वाधर वेग के कारण पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा, जबकि क्षैतिज वेग के कारण पिंड क्षैतिज गति करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम थीटा कोण पर लिख लेते हैं, यू वेग से फेंका जाता है, वेक्टर यू को हम वियोजित कर लेते हैं दो घटकों में, यहां पर हमने क्षैतिज दिशा को x अक्ष की दिशा में माना है, ऊर्ध्वाधर को y अक्ष की दिशा में माना है। ठीक है, क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा इसका, सभी लोगों ने वियोजन पढ़ा है, किसी सदिश u को जब थीटा कोण पर वियोजित करते हैं तो उसका वियोजित घटक कितना आता है, u cos थीटा, और उसकी लंबवत दिशा में वियोजित घटक कितना आता है, u sin थीटा। तो क्षैतिज घटक किस दिशा में है, क्षैतिज दिशा, एक्स अक्ष की दिशा में, तो हमने क्या लिख लिया, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा, यू साइन थीटा। अब एक और देखते हैं, क्या पिंड को फेंकते समय सिर्फ वेग ही यहाँ पे इन्वॉल्व है या दोनों पे गतियों पे त्वरण लग रहा है, तो हम क्या देखते हैं, क्षैतिज दिशा में वस्तु पे कोई त्वरण नहीं लग रहा है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति में एक त्वरण हमेशा लगता है जब कोई भी पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है। तो यहाँ पे यू साइन थीटा वेग से पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है तो जिसपे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, है ना, सभी को पता है कि ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो लिख सकते हैं क्षैतिज गति में त्वरण, क्षैतिज गति में पिंड पर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है,
ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण कितना है, पिंड को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण कितना है, माइनस का जी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना त्वरण लगेगा, जी। जब कोई पिंड ऊपर की तरफ फेंका जाता है त्वरण विपरीत दिशा में लगता है, तो कितना हो गया, माइनस का जी। अब यदि टी समय बाद पिंड या प्रक्षेप जिसे कहते हैं, है ना, प्रक्षेप बिंदु P, मान लेते हैं x, y, किसी समय के बाद पिंड किसी बिंदु P x, y पे पहुंच जाता है, इसका मतलब है वो x अक्ष की दिशा में x मात्र दूरी तय करेगा, है ना, और y अक्ष की दिशा में y मात्र की। ठीक है, पर पहुंचता है तो क्षैतिज गति के लिए वेग विस्थापन संबंध लगाइए, यह विस्थापन समय संबंध क्या हो जाएगा, क्षैतिज गति के लिए s बराबर ut प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax हमने यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि गति कैसी हो रही है, क्षैतिज गति की हम बात कर रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी कितनी है x, क्षैतिज वेग हो गया ux, t एक बटा दो, और क्षैतिज दिशा में त्वरण कुछ नहीं लगा है, क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, जीरो। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ux कितना है, u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। नेक्स्ट अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर गति में वेग हमने मान लिया ऊर्ध्वाधर वेग ui, त्वरण कितना है ay। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर गति में विस्थापन कितना हुआ, y मात्रक का, ऊर्ध्वाधर वेग कितना है u sin थीटा इंटू टी प्लस एक बटा दो, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये समीकरण आ गया किसके लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो इस तरीके से प्रक्षेप गति में क्षैतिज गति के लिए हम एक समीकरण निकाल सकते हैं x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और t समय पर अगर हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालना है तो निकाल सकते हैं u sin थीटा t प्लस 1 अपॉन 2 माइनस et स्क्वायर से। ठीक है, अब अगर हमें टाइम को रिप्लेस करना है तो समीकरण एक से t का मान निकालकर हम समीकरण दो में रख सकते हैं। समीकरण एक से अगर हम t का मान निकाले तो t का मान कितना आएगा, x बटे u cos थीटा। ठीक है, t बराबर x बटे u cos थीटा, समीकरण दो में रखने पर क्या आएगा रिजल्ट, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, t कितना है निकाला हमने, x बटे यू कॉस थीटा, x बटे यू कॉस थीटा, फिर माइनस वन अपॉन टू जी, टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, माइनस वन अपॉन टू जी बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया जो क्या है, प्रक्षेप पथ का समीकरण। ये क्या है, प्रक्षेप पथ का समीकरण, यह है
प्रक्षेप पथ का समीकरण है जिसमें हम देख रहे हैं x क्या है द्विघातीय है, y क्या है एक घातीय है। ये किसका समीकरण होता है? अगर हमने विभिन्न वक्र पढ़ रखे हैं, वृत्त पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा, ठीक है, परवलय पढ़ा, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा वो आगे मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब x द्विघातीय है, y एक घातीय है, तो ये किसका समीकरण होता है? एक परवलय का समीकरण होता है। तो जिसमें x द्विघातीय तथा y एक घातीय है, जो किसको निरूपित करता है? जो एक परवलय को निरूपित करता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप पथ कैसा होता है? परवलय आकार होता है, क्योंकि हमने प्रक्षेप पथ का समीकरण निकाला। वो किसका समीकरण है? वो एक प्रक्षेप, एक परवलय का समीकरण है। तो यहां से लिख सकते हैं, अतः प्रक्षेप पथ परवलय आकार होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रक्षेप पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप पथ कैसा होता है? परवलय आकार होता है। ये चीज समझ लीजिएगा। हम कैसे कह सकते हैं कि ये परवलय आकार होता है? क्योंकि हमने प्रक्षेप पथ का जो समीकरण निकाला है, इसमें y एक घातीय है, x क्या है? द्विघातीय है। और ऐसा समीकरण किस वक्र को व्यक्त करता है? एक परवलय को व्यक्त करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखेंगे कि प्रक्षेप की ऊंचाई, उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है। जब कोई भी पिंड प्रक्षेप गति करता है, जैसे अभी बताया कि किसी भी पिंड को अगर हम इस तरीके से फेंकते हैं, तो पिंड एक अधिकतम, एक उच्चतम बिंदु तक जाकर फिर से वापस आने लगता है, आकर पृथ्वी पर टकराता है, ठीक है। जब पिंड को हम प्रक्षेप, मतलब किसी क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं, तो वो पिंड इस तरीके से गति करता है, एक वक्र पथ पे गति करता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति करते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्षेप गति के दौरान पिंड जिस उच्चतम बिंदु तक गया था, ठीक है, उसके बाद पिंड ये वापस आने लगता है, तो इसकी ऊंचाई को ही क्या कहते हैं हम? प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। यानी कि प्रक्षेप गति के दौरान पिंड जिस अधिकतम, जिस उच्चतम बिंदु तक जाता है, जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। कैसे समझ लेते हैं? पिंड को फेंकते समय ऊपर की तरफ वेग इसे प्राप्त हुआ था यू साइन थीटा, लेकिन इस पर नीचे की तरफ एक त्वरण लगता है जी, है ना, माइनस। वेग की विपरीत दिशा में एक त्वरण लगता है। इस त्वरण के कारण पिंड का वेग घटता जाता है और एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वेग कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर जब वेग जीरो हो जाता है, तो पिंड फिर से क्या होता है? प्रक्षेप जो है नीचे की तरफ आने लगता है। किसी भी पिंड को फेंका जाए तो ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है? नीचे की तरफ त्वरण लगने के कारण, नीचे की दिशा में ऊर्ध्वाधरता, नीचे की ओर त्वरण लगने के कारण, कौन सा त्वरण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका वेग घटने लगता है, और उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होता है? जीरो हो जाता है। जहां पर पिंड का वेग जीरो हो जाता है, पिंड फिर से नीचे की तरफ गति करने लगता है, इस तरीके से, ठीक है। अब जिस अधिकतम बिंदु तक पहुंचने के बाद पिंड का वेग जीरो होगा, उस उच्चतम बिंदु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है? प्रक्षेप गति के दौरान पिंड या प्रक्षेप जिस उच्चतम बिंदु तक जाता है, उस बिंदु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर पिंड का वेग जीरो हो जाएगा। यदि
प्रक्षेप की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एच है, तो हम वेग विस्थापन संबंध से h को निकाल सकते हैं, है ना। वेग हमें पता है उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उच्चतम यानी कि जो ऊंचाई है वो हम निकाल सकते हैं किस रिलेशन से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s या माइनस 2gh रख लीजिए, है ना। चलिए प्लस 2s से कर लेते हैं, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम वेग कितना हो गया है, जीरो। प्रारंभिक वेग कितना था, u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2। त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जी। कितना विस्थापन हमने माना है, h, ठीक है। तो v कितना हो गया, जीरो, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग कितना हो गया, जीरो। ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो गया, जीरो। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना था, u sin थीटा। और 2as, a क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला त्वरण, जो कितना है, माइनस जी। एस हमने कितना मान लिया है, h। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2hgh, ये रिजल्ट आएगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो यहां से 2gh इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से रिजल्ट आ गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रक्षेप की ऊंचाई आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इस फॉर्मूले से हम प्रक्षेप की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर निश्चित वेग के लिए एक दिए हुए वेग से फेंकने पर हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है, यानी कि h मैक्सिमम के लिए एक निश्चित वेग के लिए या निश्चित वेग से फेंकने पर h मैक्सिमम का मतलब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए यह वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 90। 90 का मतलब पिंड को सीधे ऊर्ध्वाधर तथा ऊपर की तरफ फेंकना होगा, यानी कि जब हमें अधिकतम ऊंचाई तक पिंड को फेंकना है तो हमें पिंड को कैसा फेंकना होगा, 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना होगा, ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो लिख सकते हैं, अतः पिंड को वेग निश्चित है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना होगा, ठीक है। तो प्रक्षेप की ऊंचाई क्या है, प्रक्षेप गति के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। और क्यों उसके बाद नहीं जाता है, क्योंकि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के बाद पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और पिंड उसके बाद नीचे की तरफ गति करने लगता है, पिंड की गति नीचे की तरफ होने लगती है, यानी कि पिंड नीचे आने लगता है, ठीक है। तो वेग विस्थापन संबंध से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, कितना फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस फॉर्मूले से अगर हमें यू पता है, थीटा पता है, जी पता है, तो हम प्रक्षेप की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब अगर हमें पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है, तो अगर यू निश्चित है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90, यानी कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो उस समय वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। एक ही वेग से अगर पिंड को कई में फेंका जाए तो जिस दिशा में पिंड का कोण कितना होगा, पिंड 36 से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, उस स्थिति में पिंड सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे उड्डयन काल क्या होता है। उड्डयन काल का मतलब होता है हवा में रुकने का समय, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितने समय तक प्रक्षेप हवा में रुकता है उसे हम क्या कहते हैं, पिंड का उड्डयन काल कहते हैं, या प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। यदि पिंड या प्रक्षेप को
उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय मान लेते हैं टी है, ठीक है। मान लेते हैं पिंड उच्चतम बिंदु तक टी समय पहुंचता है, उतने ही समय में पिंड वापस आ जाएगा। जितना समय लगेगा पिंड को उच्चतम बिंदु तक जाने में, उतना ही समय पिंड को फिर उतनी दूरी गिरने में लगेगा। तो अगर पिंड को उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय कितना है, स्मॉल टी है। अगर पिंड को उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय कितना है, स्मॉल टी है। तो वेग समय संबंध क्या होता है, v बराबर u प्लस at से। ऊर्ध्वाधर गति की बात हो रही है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो गया, जीरो। फेंकते समय वेग कितना था, u साइन थीटा। त्वरण कितना है, माइनस का g। समय हमने माना था t। तो यहां से gt बराबर कितना हो गया, u साइन थीटा। तो t बराबर कितना आ जाएगा, u साइन थीटा बटे g। अब चूंकि पिंड को जितना समय उच्चतम बिंदु तक जाने में लगता है, उतना समय पिंड को वापस आने में लगता है। अतः पिंड का उड्डयन कालम निकाल सकते हैं। जितने समय में पिंड उच्चतम बिंदु तक जाएगा, उतने ही समय में पिंड नीचे आएगा। तो पिंड का उड्डयन काल क्या हो जाएगा, जाने में लगा समय t, आने में समय लगा t। t प्लस t कितना हो गया, 2t है ना। और इस t का मान कितना निकाला हमने, u साइन थीटा बटे g। अर्थात पिंड का उड्डयन काल कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो अगर इस फॉर्मूले से हमको पिंड का उड्डयन काल निकालना हो किसी भी प्रक्षेप गति के लिए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला हमने कि उच्चतम बिंदु तक हमने पिंड को जाने का समय निकाल लिया, कितना, स्मॉल टी। किस कॉन्सेप्ट से, वेग समय संबंध से। क्योंकि उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग जीरो हो जाएगा, फेंकते समय पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग कितना था, यू साइन थीटा था। त्वरण कितना लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, कितना, माइनस का जी। तो इस फॉर्मूले से हमने टी का मान निकाला, कितना, यू साइन थीटा अपॉन जी। इतने समय में पिंड उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, तो वापस लौटने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा, टी प्लस टी यानी कि टू टी। तो कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। इस तरीके से हम पिंड का उड्डयन काल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उड्डयन काल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 36 परास। अब हम देखेंगे 36 परास यानी कि रेंज क्या होती है। देखिए, जब किसी भी पिंड को फेंका जाता है तो पिंड की दो तरह की गति होती है, ऊर्ध्वाधर के साथ क्षैतिज गति होती है। तो वापस आने के बाद पिंड जिस बिंदु पर पृथ्वी पर टकराता है, यानी कि जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण बिंदु से टकराने वाले बिंदु के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। यानी कि प्रक्षेप गति के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। तो निकाल सकते हैं क्षैतिज परास, क्षैतिज परास यानी कि क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। क्या होगा फॉर्मूला, क्षैतिज वेग अगुणे समय, है ना। अगर क्षैतिज दूरी निकालनी है तो क्षैतिज परास निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्षैतिज वेग गुणे समय। क्षैतिज परास को हम किससे लिखते हैं, आर। क्षैतिज वेग कितना है, यू कॉस थीटा, गुणे समय कितना निकला, उड्डयन काल के दौरान पिंड ने क्षैतिज दूरी तय की थी, कितना है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर। फिर क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले से हम प्रक्षेप का क्षैतिज परास
निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम प्रक्षेप का क्षैतिज परास निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ सकते हैं, यदि थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा रख दिया जाए, थीटा के स्थान पर उपरोक्त फॉर्मूला जो फॉर्मूला निकला है क्षैतिज परास का, इस फॉर्मूले में अगर थीटा की जगह हम क्या रखते हैं 90 माइनस थीटा रख देते हैं, ठीक है। अब परास देखिए कितना होगा, मान लेते हैं r डैस, तो यू स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह क्या रखा 90 माइनस थीटा, सारी चीजें वही है, खाली प्रक्षेपण कोण थीटा की जगह हमने कितना कर दिया 90 माइनस थीटा कर दिया। तो r डैस कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 गुणे 90 कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बटे जी, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो r डैस कितना आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो किसके बराबर है आर के ही बराबर है। तो यहां से एक बात और क्लियर हुई कि प्रक्षेपण कोण थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, मतलब किसी भी पिंड को आप 30 डिग्री के कोण पे फेंकिए या 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री के कोण पे फेंकिए, दोनों ही कंडीशन में क्षैतिज परास क्या होगा बराबर होगा। क्लियर सभी को कि अगर थीटा के स्थान पर हम इसमें 90 माइनस थीटा रख देते हैं, है ना, जो आर का फॉर्मूला आया है क्षैतिज परास का जो सूत्र निकल के आया है, इसमें थीटा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा रख दें तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही आता है जो आर के बराबर है। यानी किसी भी प्रक्षेप को चाहे थीटा कोण पर फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण पर फेंका जाए, प्रत्येक स्थिति में परास क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। इसी में एक चीज और देख लेते हैं, आर मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अगर हमें आर मैक्सिमम चाहिए क्षैतिज परास मैक्सिमम चाहिए दिए हुए वेग के लिए, साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए जो कितना होता है एक होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर एक होने का मतलब किसका मान है साइन 90 का मान है या पाई बाई 2 का मान है। तो जब यहां से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4 या 45 डिग्री। तो यहां से यह बात क्लियर होती है कि अगर किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण पर अर्थात पाई बाई 4 के कोण पर फेंका जाए उस कंडीशन में आर क्या होगा मैक्सिमम होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर मैक्सिमम के लिए यानी कि अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस पर एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें।